खुद का पक्का घर देश के करोड़ों परिवारों के लिए कई दशकों तक यह केवल एक अधूरा सपना था। लेकिन जब 2014 में देश ने चुना ऐसा प्रधानमंत्री जिसने खुद गरीबी देखी थी, जो खुद गरीबी जी कर आया था, तो गरीबों का पक्के छत का हक और सपना भी होने लगा साकार। बीते 10 सालों में 4 करोड़ से अधिक परिवारों ने पाया अपने पक्के घर का स्वाभिमान। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। मोदी 3.0 में भी हाउसिंग फॉर ऑल का विजन मिशन मोड में आगे बढ़ रहा है। तभी तो मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों का सबसे बड़ा फैसला है 5.36 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3 करोड़ और परिवारों के लिए पक्के घर का इंतजाम। प्रधानमंत्री आवास योजना में बनेंगे 3 करोड़ और घर। और जब अपना घर होता है ना, तो जीवन बदल जाता है। छत्तीसगढ़ की पार्वती बैगा को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिला तो उनके जीवन में एक नई उम्मीद और स्थिरता आ गई। पार्वती पहले एक झोपड़ी में रहती थी जहां बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी, लेकिन पीएम आवास से पार्वती को अपने परिवार के लिए मिला एक सुरक्षित और मजबूत घर जिसमें शौचालय, बिजली, पानी जैसी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध थीं। प्रधानमंत्री जी के करोड़ों नए घरों के निर्माण के फैसले से पार्वती बैगा जैसे करोड़ों गरीब परिवारों का सपना पूरा हुआ। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 10 लाख से अधिक लाभान्वित परिवारों का अपना घर हो रहा है स्वीकृत। इसके लिए 3,180 करोड़ रुपए की पहली किश्त सीधा लाभान्वितों के खाते में की जा रही है ट्रांसफर। इसके अलावा 26,37,000 से अधिक घरों का प्रधानमंत्री जी द्वारा कराया जा रहा है गृह प्रवेश और 15 लाख घरों का प्रधानमंत्री जी जारी कर रहे हैं स्वीकृति पत्र। साथ ही योजना से वंचित लाभार्थियों की पहचान हेतु घरों के सर्वेक्षण के लिए आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप किया जा रहा है लॉन्च। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में 4 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों का होने जा रहा है गृह प्रवेश और कुछ लाभार्थियों को सौंपी जा रही है उनके सपनों के घर की चाबी। आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की भी हो रही है शुरुआत। इसमें 1 करोड़ परिवारों को दी जाएगी आर्थिक सहायता। इससे 5 करोड़ लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का मिलेगा अधिकार। साथ ही विकसित भारत के लिए विकसित ओडिशा के संकल्प को मजबूती देते हुए आज प्रधानमंत्री जी ओडिशा वासियों को रेल और रोड कनेक्टिविटी से जुड़े करीब 3,900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दे रहे हैं सौगात, जिनमें शामिल है रेलवे से जुड़ी 2900 करोड़ रुपए की 8 रेल परियोजनाएं। साथ ही लगभग 1,000 करोड़ की 4 सड़क परियोजनाओं का भी हो रहा है शिलान्यास। इन सभी परियोजनाओं से ओडिशा और पूर्वोदय के विकास को मिलेगी तेज गति। महाप्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से यूं ही नित आगे बढ़ेगा ओडिशा। जय जगन्नाथ।